केरल के सबरीमाला मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों की तर्ज पर चरोदा के वार्ड 25 में समाज के द्वारा अयप्पा स्वामी की पूजा अर्चना कर समापन किया गया। केरल के सबरीमाला मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों की तर्ज पर चरोदा में भी समाज के लोगों द्वारा अयप्पा स्वामी की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। वहीं भगवान अयप्पा स्वामी की पूजा अर्चना में छोटी दिवाली जैसा नजारा देखने को मिला। फूलों की रंगोली के साथ दीपमालाएं भी सजाई गई थी। भगवान अयप्पा के समक्ष भक्तों ने दीप आरती भी की। इसके पूर्व मंडल पूजा व भागवत पारायण की गई। मंदिर में दीप प्रज्वलित कर शुभम करोति कल्याणम दीपः ज्योति नमस्तुते श्लोक से वंदना की गई। समाज के स्वामियों ने बताया कि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम किए गए हैं। दीप आराधना के साथ ही पुष्पों वाली रंगोली से सजावट की गई। भजन कीर्तन व प्रसादी का वितरण भी किया गया। मंदिर में सुबह से लेकर रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं का तांता लग रहा। सबसे पहले सभी भक्तगणों को मैं स्वामी शरण अय्यप्पा बोलना चाहता हूँ। ये जो दीक्षा कार्यक्रम है 40 दिन का रहता है, इसको मंडल दीक्षा बोलते हैं। यह जो दीक्षा लेने के बाद में सभी स्वामीगण 41 दिन का दीक्षा करने के तत्पश्चात तिरमुड़ी बांधकर अय्यप्पा मंदिर शबरीमलाई जाते हैं। वहाँ पर अपना मनोकामना संपूर्ण करने के लिए वहाँ पर तिरमुड़ी का देकर अय्यप्पा स्वामी का अनुग्रह को पाते हैं। और जाने से पहले वहाँ पर पंबा नदी के अंदर में स्नान करके शुद्ध होकर उस मंदिर में जाना पड़ता है। यह कार्यक्रम में जो कोई भी भक्तगण भाग लेते हैं उनको अय्यप्पा स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अय्यप्पा स्वामी हरिहर के पुत्र हैं। तत्पश्चात ये दोनों के सम्मेलन से हरिहर पुत्र अय्यप्पा स्वामी जी का जन्म हुआ है, तो इनका आराधना करना हमारे लिए श्रेयस होता है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर में रहता है। 40 दिन का व्रत है, ब्रह्मचारी के साथ पूरा करते हैं हम लोग। सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, आपके संध्या पर सूर्यास्त के बाद नहाते हैं। इसी तरह पूरा 40 दिन का व्रत करके सबरीमला जाते हैं, तिरुमुडी साइड में बांध के उनका प्रसाद लेकर जाते हैं। वहाँ का दर्शन करके वहाँ का घी अभिषेक किया जाता है। बहरहाल इस पूरे आयोजन में चरोदा के वासु टेंट हाउस और उनके परिवार का विशेष योगदान रहा। वहीं वार्ड 25 में बने अय्यप्पा मंदिर में उत्सव के चलते सुबह गणपति होम, भागवत पारायण व अन्य कार्यक्रम के साथ ही दीप आराधना की गई। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।